Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learner Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और तमाम पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जो एप्लीकेशन है हमारे क्लासरूम में वो कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत दफ़ा पूछा गया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है थ्योरी उसे आप कैसे क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस इट, टीचर कैन यूज़ दिस थ्योरी इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसीडरिंग चाइल्ड एबिलिटी एट डिफरेंट एज लेवल टू प्लान क्लासरूम एक्टिविटीज़। जिस टीचर को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पता होगा तो उसे पता होगा कि किस एज के अंदर बच्चे के अंदर किस अंडरस्टैंडिंग, कौन सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें जो प्री स्कूल हमारे स्टूडेंट हैं जो 3 to 5 इयर्स में स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर उनकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, उनकी जो सेंट्रेशन है, आर्टिफिशियलिज्म है, इकोसेंट्रिज्म है, एनिमिज्म है, इन चीज़ों को टीचर अपने माइंड में रखेगा और उसके मुताबिक वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ को प्लान करेगा। बच्चों को डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ नहीं कराएगा जिससे बच्चों के अंदर बॉर्डम फीलिंग आए और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करें। और वो क्या करें, उससे क्या होगा कि बच्चे, अगर बच्चे की मेंटल कैपेसिटी के मुताबिक चीज़ें या एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल जो अपना माइंड और दिल नहीं लगाएगा और वो उससे दूर हटेगा। तो टीचर को वेल अवेयर होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो एज के लिहाज से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल है। फिर इसी तरह जो मिडिल क्लास के टीचर हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के मुताबिक अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ डेवलप करेंगे, और जो हायर क्लास के टीचर हैं वो अपनी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के मुताबिक अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करेंगे। एंड द सेकंड वन, गाइड द स्टूडेंट, इनकरेज स्टूडेंट लर्न फ्रॉम देयर पीयर्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जीन पियाजे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं सोशल लर्निंग को, कि बच्चा जो है सोसाइटी में दूसरों के साथ मिलके पेयर ग्रुप में। अब ये पीयर्स क्या है, पीयर्स आपका जो क्लास फेलोज का ग्रुप है, जो हमेज या वो लोग जिनके साथ आप रहते हैं, पढ़ते हैं, हैं बैठते हैं, उठना बैठना है, ये आपका पीयर ग्रुप है। तो इस स्टेज ये थ्योरी इस चीज़ को भी इनक्रेज करती है कि बच्चे अपने पेयर ग्रुप में सीखें। जैसे हम आप क्लासरूम के अंदर मैथ की एक्टिविटीज़ जो हैं या मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो ग्रुप बना के बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, कि जो ग्रुप में जो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर लेता है क्वेश्चन, तो उसको बाकी जो ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी लैंग्वेज में अपने पेयर ग्रुप को समझा देता है, और इस तरह बच्चों के अंदर ईजीली मैथ के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो जाती है। नेक्स्ट, बी पेशेंट ऑन स्टूडेंट्स मिस्टेक्स, एज स्टूडेंट लर्न अ लॉट फ्रॉम मिस्टेक्स। अकॉर्डिंग टू एज जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चे की हो रही होती है, तो टीचर्स को स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स के ऊपर थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, और बिकॉज स्टूडेंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अगर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार वो मिस्टेक करेगा, आप उसकी करेक्टनेस कराते जाएंगे, तो थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम या फोर्थ टाइम में वो अपनी मिस्टेक को नहीं दोहराएगा, बल्कि उसके अंदर क्या आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। द नेक्स्ट वन, रिस्पेक्ट ईच स्टूडेंट इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीड्स एबिलिटीज एंड लिमिट्स। अब आपने हर स्टूडेंट के जो नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, एबिलिटीज़ हैं और लिमिट्स हैं, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो सेंटर है या पिविटल पॉइंट क्या है, वो स्टूडेंट है या वो चाइल्ड है, ठीक है, जिसे आप पढ़ा रहे हैं। अगर आप उसके इंटरेस्ट और नीड्स और एबिलिटीज़ और लिमिट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी जो टीचिंग है वो किसी काम की नहीं है। बच्चा बिल्कुल 0% लर्न करेगा अगर आप उसकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट का या इंडिविजुअल डिफरेंस का आप क्लासरूम के अंदर ख्याल नहीं रखेंगे। तो जीन पियाजे की थ्योरी इस बात पर भी जोर देती है कि हर स्टूडेंट
की जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और तमाम स्टूडेंट्स की मेंटल कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल पावर या कोग्नेटिव पावर वो एक जैसी नहीं होती, लर्निंग पावर एक जैसी नहीं होती, तो आपने हर स्टूडेंट के इंटरेस्ट का और नीड्स का ख्याल रखना है। एंड द नेक्स्ट वन, इंगेज स्टूडेंट इन एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, जिन पे अजय इस बात पे भी जोर देते हैं कि बच्चों को करके सिखाया जाए, ठीक है, तो उसे इन्वॉल्व किया जाए कि बच्चे खुद जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बच्चे उन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करने के बाद वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प करें, ठीक है। तो इसी वजह से इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है, जिन पे अजय को, कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में, प्रोजेक्ट मेथड में, डायरेक्ट इंट्रैक्शन मेथड में बच्चा खुद चीज़ों के साथ इंट्रैक्ट करे और खुद अपनी डेवलपमेंट को कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। इसी वजह से इनको कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है कि बच्चा खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, चीज़ें सीखे, अपनी गलतियों से सीखे, फिर दोबारा करे, ट्राई करता रहे और अपना नॉलेज खुद वो डिवेल्प करे। तो ये कुछ इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी क्लासरूम्स के अंदर, तो इसका आप एज ए टीचर ख्याल रखेंगे और इसको अपने माइंड में रखेंगे, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।